शक वंश। शकों का मूल निवास सायर नदी का उत्तरी प्रदेश था। इनकी राजधानी थी आधुनिक तुर्किस्तान। यहीं से शकों ने भारत में प्रवेश किया। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शक शांतिप्रिय थे और कुछ कहते हैं वो बहादुर थे। शक के शुरुआती दिनों में उनके पड़ोसी चीन से यूची नामक जनजाति या फिर कुसाड़ों ने आक्रमण किया, जिससे शक जाति दो भागों में बट गई। पहला भाग था उत्तरी क्षत्रप और दूसरा भाग था पश्चिमी क्षत्रप। क्षत्रप शब्द भारत में शकों को बोला जाता है। उत्तरी क्षत्रप, उत्तर भारत में भी शकों के दो भाग थे। पहला था तक्षशिला और दूसरा था मथुरा। तक्षशिला का पहला क्षत्रप मुआस नाम से जाना जाता था। इसे शकों का पहला राजा जो भारत में आया वो भी बोल सकते हैं। और इसकी राजधानी जो इसने बनाई वो थी तक्षशिला। इसका राज्य विस्तार गांधार तथा उसके निकटवर्ती इलाकों तक हुआ और इसके उत्तराधिकारी आजीज एक और आजीज दो नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्षत्रप की, जिसका नाम था मथुरा। इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने उज्जैन जीतने के बाद मथुरा को जीता, यानी कि मथुरा और उज्जैन के आसपास के क्षत्रप को मथुरा क्षत्रप बोला जाता है और तक्षशिला और गांधार के आसपास के क्षत्रप को तक्षशिला क्षत्रप कहा गया है। पश्चिमी क्षत्रप, उत्तर में जब कुषाणों का आक्रमण बढ़ा तब शक धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। तभी यहां से शक पश्चिमी क्षत्रप के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने मालवा, गुजरात, कच्छ और महाराष्ट्र का भाग जीत लिया। पश्चिमी क्षत्रप का पहला शासक था भूमक। भूमक ने कुछ तांबे के सिक्के भी चलाए थे और उनपे खुद को छहरात क्षत्रप नाम दिया था। भूमक के बाद दूसरा शासक हुआ नहपान, 119 से 124 ईस्वी के पूर्व। नहपान ने महाराष्ट्र और मालवा के शासकों को पराजित करके महाक्षत्रप की उपाधि हासिल की थी। और इसके शासनकाल की बात करें तो इनको आंध्र शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से हारना पड़ा था। पश्चिमी क्षत्रप का दूसरा क्षत्रप था उज्जैन और यहां का पहला राजा हुआ चष्टन। इनका शासनकाल हुआ 78 से 120 ईस्वी और इसने भी महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी और चष्टन के उत्तराधिकारी हुए रुद्रदामन। रुद्रदामन का शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार काठियावाड़, सौराष्ट्र, सिंध, मालवा और पंजाब तक किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों से जो इलाका जीता था उसे रुद्रदामन ने दोबारा प्राप्त कर लिया था। इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ये वही झील है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में अपने गवर्नर से निर्माण करने को कहा था और इसका वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन के पश्चात उनके उत्तराधिकारी काफी अयोग्य थे, जिसकी वजह से उन पर गुप्त वंश के शासकों का अधिकार हो गया और शक जाति गुप्त वंश के साम्राज्य में लुप्त हो गई।